दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बारिश के बाद शुरू हुआ मैच तो कप्तान और उपकप्तान ने मचाई तबाही। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बारिश बंद होने के बाद 10-10 ओवर का खेला गया, जहां पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने मिलकर तूफान मचा दिया और जिसकी आंधी में न्यूजीलैंड का हर एक गेंदबाज उड़ता हुआ नजर आया। वहीं अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने 20 रन का पीछा करते हुए टीम को रोमांचक तरीके से जीत दिलाई। आखिरकार रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत कैसे मिल गई, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला वेलिंगटन शहर में खेला गया, जहां बारिश के आने से मुकाबले में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बाद ग्राउंड मैन और एम्पायर ने मैदान के हालात को सुधारते हुए दोबारा से मैच प्रारंभ कराया और 10-10 ओवर के मैच का शुभारंभ किया गया, जहां पर बारिश के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक सही भी साबित हुआ क्योंकि विरोधी टीम को मात्र 110 रन पर रोक दिया गया। तो वहीं पर बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को बुलाया गया। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एलन और कॉनबे मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया और पावर प्ले यानी कि 3 ओवर में 30 रन बनाकर बढ़िया बेहतरीन शुरुआत दी और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मलिक ने दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियमसन और फ्लिप आए। दोस्तों विलियमसन और फ्लिप ने अंततः पारी को संभाल कर कुछ अलग ही अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर में 90 रन बटोर दिए और इस बीच दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहे थे, जिसमें फिलिप ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 23 गेंदों पर 51 रन की नाबाद पारी खेली, तो दूसरी तरफ से केन विलियमसन ने 11 गेंदों पर 19 रन की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ ही 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बना दिए। लेकिन इस 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन पर आ गई, जहां पर दोनों बल्लेबाज रनों की बारिश करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में टिम साउदी ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, टिम साउदी ने पहले ही ओवर में धारदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के चेहरे से जीत की रौनक ही उतार दी और आपको बता दें कि पहली ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले LBW आउट हो गए। जी हां दोस्तों, ईशान किशन अंदर आती हुई गेंद पर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए, जिसके कारण ईशान किशन पवेलियन को लौट गए और वहीं अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर पहली ही गेंद पर LBW आउट हो गए, लेकिन रिव्यूज लेकर उन्होंने फैसले को पलट दिया, परंतु दूसरी गेंद पर चारों खाने चित हो गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या आए और अब भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों की थी। दोनों बल्लेबाज हद से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन इसी बीच पांचवें ओवर में मिशेल सैंटनर ने सूर्य कुमार यादव को 7 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आए और अब पंत और संजू के सामने विरोधी गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए, तो वहीं बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन 32 रन के स्कोर पर लॉकी फर्गुसन की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इसी बीच मुकाबले का रोमांचक मोड़ आ गया और जीत के लिए 2 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस ओवर में लॉकी फर्गुसन के 2 गेंदों पर 2 चौके समेत 16 रन जड़ दिए और मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन अभी भी मुकाबले में रोमांच बाकी था, जहां अंतिम ओवर में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता पड़ी। गेंदबाजी करने के लिए साउदी मैदान पर आए, लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर केन विलियमसन ने उनके ऊपर अलग ही रणनीति के साथ प्रहार करने की कोशिश की और उनको फुल टॉस गेंद डाल दी, जिसके बाद संजू ने फुल टॉस का फायदा उठाकर फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली गेंद पर एक बार फिर से सामने की तरफ 103 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन अब अचानक से टिम साउदी ने मुकाबले में रोमांच ला दिया और अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा परेशान किया। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने बड़े ही दिमाग की रणनीति के साथ मुकाबले में दिमाग लगाया। जी हां,
दोस्तों इस गेंद पर LBW आउट हो गए वो, पर गेंद को उन्होंने पहले ही खेल लिया था। और जहां पता चला कि 6 से ज्यादा फील्डर बाउंड्री पर खड़े हुए थे, जो कि नियम के विरुद्ध है, ऐसे में उस गेंद को नो बॉल करार दिया गया। ऐसे में अभी भी 2 गेंदों पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। अब ऐसे में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या LBW आउट होने से बचे, और इस बार हार्दिक पांड्या को किस्मत का साथ मिला और हार्दिक पांड्या एम्पायर कॉल के चलते नॉट आउट रहे। और अभी भी अंतिम गेंद पर बाउंड्री की आवश्यकता थी, जहां हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ते हुए विरोधी टीम के अरमानों को ठंडा कर दिया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पहली जीत दर्ज की और बढ़त बनाई। इस मुकाबले के हीरो हार्दिक पांड्या के साथ साथ ऋषभ पंत रहे, उन्होंने 28 रनों की पारी खेली, तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेल डाली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सीरीज को भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों बारिश के बाद बरसे सूर्या, मैदान पर बल्ले से चौके और छक्के नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस बल्लेबाज ने जिस तरीके से तूफानी शतक लगाया है, सच में उसे देखकर कैप्टन हार्दिक पांड्या की भी आंखें फटी की फटी रह गईं, आपको इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने 15 खतरनाक छक्कों के साथ किस तरीके से अपने विध्वंसक शतक को अंजाम दिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्या और हार्दिक में खतरनाक खिलाड़ी कौन है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी से दुनिया भर के बड़े से बड़े गेंदबाज अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, और सूर्या के बल्ले का खौफ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के अंदर भी देखने को मिला। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला मैच बारिश के कारण रद्द होने वाला था, लेकिन बारिश रुकी और मैच हुआ, और भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और ईशान किशन जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। अब सारी जिम्मेदारी सूर्या के कंधों पर आ गई थी, और एक बार फिर से ये बल्लेबाज ना सिर्फ टीम इंडिया का संकट मोचन बना बल्कि बल्ले से तबाही मचाते हुए न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा कर दी। बल्लेबाजी करने आए सूर्या ने ट्रेंट बोल्ट के पहले ही ओवर में 3 चौके के साथ साथ अपनी पारी का आगाज किया। आपको बता दें कि उन्होंने तीनों ही चौके 3 दिशाओं में लगाए थे। पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, दूसरा चौका कवर की तरफ, और आखिरी चौका उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ लगाया था। जितने खतरनाक मूड में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए थे, न्यूजीलैंड के गेंदबाज इसे भांप गए, और कप्तान केन विलियमसन के साथ ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने सूर्या को आउट करने की रणनीति बनाई और उन्हें लगातार बाउंसर फेंकी जाने लगी। पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव इससे डरने वाले कहां थे, इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाते हुए कीवी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। केवल 14 ही गेंदों में इस बल्लेबाज ने तूफानी और अर्धशतक लगा दिया, और युवराज सिंह के बाद ऐसा कारनामा करने वाले सूर्य कुमार यादव भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। सूर्य की तबाही यहीं पर नहीं रुकने वाली थी, अर्धशतक लगाने के बाद तो ये खिलाड़ी और भी ज्यादा डेंजर हो गया। टिम साउदी हो या फिर ट्रेंट बोल्ट, सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सूर्या ने देखते ही देखते केवल 31 गेंदों में 95 रन ठोक डाले, और सूर्या की तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 95 रन बनाने के लिए इस बल्लेबाज ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 10 छक्के ठोक डाले, और अब शतक पूरा करने के लिए उनको एक और छक्के की दरकार थी। गेंदबाजी करने के लिए आए थे न्यूजीलैंड के बेहतरीन स्पिनर मिशेल सैंटनर। दोस्तों आपको बता दें कि आगे बढ़ते हुए सूर्य कुमार यादव ने मिशेल सैंटनर की गेंद को सीधे वेलिंगटन के मैदान को पार करते हुए गेंद को स्टेडियम के बाहर दे मारा। वो गेंद दोबारा मिल ही नहीं पाई, और लगभग 110 मीटर से भी ज्यादा लंबा छक्का लगाते हुए सूर्या ने अपने शतक को अंजाम दिया, और इस बात को साबित कर दिया कि उन्हें ऐसे ही T20 का सबसे घातक खिलाड़ी नहीं माना जाता। 15 छक्के के साथ सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी में कुल 140 रन बनाए, और इसके लिए उन्होंने कुल 42 गेंदें खेली। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव युवराज सिंह के 6 छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों मलिक ने अंतिम ओवर में जिताया मैच, तो दुनिया के सभी क्रिकेटरों ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया, और इस मुकाबले में मलिक ने अंतिम ओवर में 8 रन का बचाव करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को नेस्त नाबूद कर दिया। आखिर कैसे अंतिम ओवर में रोमांच की सारी हदें पार करते हुए मलिक ने भारत को मैच जिताया, वो तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ पूरे मैच की हाईलाइट का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार में कौन है खतरनाक गेंदबाज, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ और इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने हद से ज्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए मात्र 115 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। जहां पर हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 51 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं पर भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर आई तो उन्होंने पावर प्ले में 40 रन बटोरे, लेकिन मध्य ओवर में कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल ने काफी ज्यादा दबाव बना दिया। जी हाँ दोस्तों, दोनों गेंदबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को काफी ज्यादा परेशान किया और मात्र आपको बता दें कि 5 ओवर में 40 रन बनाने दिए, लेकिन अचानक से मुकाबला अलग ही मोड़ पर आ गया, जहां पर जीत के लिए न्यूजीलैंड की टीम को 5 ओवर में 35 रन बनाने की आवश्यकता थी, जहां पर केन विलियमसन अर्धशतक लगाकर मौजूद थे, तो वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना अर्धशतक लगा दिया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों की लय बिगड़ गई, जिस कारण से अंतिम 12 गेंदों पर न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए मात्र 12 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया गया और उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन दिए और अंतिम ओवर में मुकाबले को पहुंचा दिया, तो वहीं पर अंतिम ओवर में 8 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी की कमान दिल पर हाथ रखते हुए हार्दिक पांड्या ने मलिक को दे दी। अब यहां पर मलिक से उसी गेंदबाजी की उम्मीद की गई थी जैसे कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में देखने को मिली थी। अब हालांकि वहां 17 रन थे, परंतु यहां पर बचाव के लिए सिर्फ 8 रन की सीमा थी। ऐसे में मलिक के सामने विलियमसन और फिलिप्स दो दिग्गज बल्लेबाज तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे थे। इसी क्रम में आज पहली ही गेंद पर विलियमसन को 51 रन के स्कोर पर मलिक ने 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने मिशेल आए और दूसरी तरफ से गेंद पर मिशेल काफी ज्यादा परेशान दिखे, एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन तीसरे गेंद पर सिंगल देकर स्ट्राइक उन्होंने फिलिप्स को दे दी। इस बीच चौथी गेंद पर फिलिप्स ने चौका भी लगा दिया, परंतु ओवर की पांचवी गेंद पर 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद ने फिलिप को चारों खाने चित कर दिया और 52 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, लेकिन अभी भी अंतिम गेंद पर जीत के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे में मलिक ने अगली गेंद दिशाहीन डाल दी, लेकिन अब सामने बल्लेबाजी पर जिमी नीशम मौजूद थे और जीत के लिए मात्र 2 रन चाहिए थे। ऐसे में मलिक ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यॉर्कर गेंद डालते हुए 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली और बल्लेबाज जिमी नीशम को क्लीन बोल्ड कर दिया और मुकाबला भारत 1 रन से जीत गया। इस मुकाबले में जीत के हीरो उमरान मलिक रहे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उमरान मलिक आने वाले समय में बेहतर गेंदबाजी कर पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।